हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर फाइन। और अभी हम आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, हम जा रहे हैं वापस नाइजीरिया। और सानिशा का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, इसको पापा के पास नहीं जाना है, अभी दादी के पास रहना है, दिल्ली में और घूमना है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, सानिशा का स्कूल चल गया है, स्टार्ट हो चुका है और जाने का टाइम हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी इंडिगो की फ़्लाइट से कतर, और कतर से आगे हमारी जो फ़्लाइट है नाइजीरिया की वो कैसी जर्नी रहती है हम आपको आगे बताएंगे। एक्सपीरियंस रहता है, फ्लाइट कैसी है, ये सब आपको इसमें बता। हेलो एवरीबॉडी, एंड आज हमारे दिल्ली एयरपोर्ट, आज हम जा रहे हैं पापा के पास वापस। दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू बैक टू नाइजीरिया। तो आपको आज की जर्नी भी मिलेगी, आज का ब्लॉग भी मिलेगा और आपको क्लाउड्स भी दिखेंगे। तो आपको बताती हूँ, फर्स्ट फ्लाइट हमारी इंडिगो से है, सेकंड फ्लाइट हमारी कतर से है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये जर्नी शुरू करते हैं उसको। और अभी हम आपको देंगे एयरपोर्ट टूर प्लस इधर हमारी जो स्कैनिंग वगैरह जो भी होता है वो होगा। एंड आफ्टर दैट देन वी विल ईट डोमिनोज। नहीं यस, मैं गार्लिक ब्रेड बहुत देर से नहीं खा रही थी। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। स्पेशली एयरपोर्ट की, बिकॉज यस आई एम रियली हैप्पी। ओके, अब जल्दी से हम एयरपोर्ट में एंटर कर चुके हैं। हमारे मेल जा चुके हैं, मेल दादी ने हमें एंटर करा दिया और जाएंगे अंदर। तो अभी चेक इन में टाइम है और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। तब तक सारिशा जो है इधर उधर घूम के टाइम पास कर रही है और मेरा भी कर पा रही है। सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब करना और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते रहना। तो अभी हमने कर लिया है इमिग्रेशन क्लियर और अब हम करेंगे छोटी मोटी शॉपिंग। और सारिशा का मूड हो गया है ऑफ, क्योंकि सारिशा को वापस जाना है, सारिशा को नाइजीरिया नहीं जाना है अभी, पर जाना तो पड़ेगा ना सारिशा। अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया सीक्रेट पे। हमने अभी मैक्स से थोड़ा सा कॉस्मेटिक लिया है और अभी देखते हैं विक्टोरिया सीक्रेट पे। मुझे थोड़ा सा परफ्यूम लेने थे। तो सारिशा थोड़ी सी काम डाउन हुई है और अभी हम जा रहे हैं। मुझे छोटा सा एक वॉलेट चाहिए था, तो देखते हैं कोच पे अगर मिल जाता है। विक्टोरिया सीक्रेट पे तो हमें परफ्यूम नहीं मिले, वो मेस्ट ख़त्म हो चुके थे। सो लेट्स सी, कोच पे मिल जाता है छोटा मोटा वॉलेट तो ले लेंगे। 70 लाख कहाँ से लाओ भी। तो कोच का जो स्टोर था वो रेनोवेशन पे था, तो वहाँ पे 50% सेल लगी थी, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई। तो अभी देखते हैं, मुझे छोटा सा वॉलेट तो चाहिए, लेट्स सी मिल जाता है तो SM से ले लिया है हमने एक छोटा सा वॉलेट और वो बहुत ही क्यूट है। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि वो कैसा है। और सारिशा अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा उदास है, उसे पता नहीं इंडिया की कौन सी जगह की याद आ रही है। सारिशा, कहाँ की याद आ रही है आपको? अब वो कहाँ जाना है? तो अभी सारिशा को मैं मैगडी खिलाती हूँ, क्योंकि सारिशा का फेवरेट है मैगडी और बर्गर किंग और डोमिनोज। सारिशा क्या खाओगे? और सारिशा के लिए तो मुझे गार्लिक ब्रेड भी पैक करानी पड़ेगी, क्योंकि सारिशा तो फ्लाइट का खाना खाती ही नहीं है, राइट तो चलो ऊपर चलते हैं और खाते हैं हम क्या, गार्लिक ब्रेड। लेट्स गो। तो अभी हम छोटा मोटा सा यहाँ पे कुछ खा लेंगे, क्योंकि फ़्लाइट का खाना सारिशा को अच्छा नहीं लगता है और सारिशा पूरा टाइम जो है बिना खाना खाई रहती है और जूस पे रहती है। तो इसको यहाँ से मैं गार्लिक ब्रेड पैक करा दूँगी और थोड़ा छोटा मोटा खा के फिर हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे। बट है कहाँ पे डोमिनोज? इधर आ डोमिनोज, चल। तो ये रहा यहाँ का डोमिनोज। आप खाओगे? तो देखो सारिशा बैठी है यहाँ। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट का फूड कोर्ट और चिल्ड्रन प्ले एरिया, और साथ में यहाँ पे स्पा भी है। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। और देखिए क्रिस्पी क्रीम भी इधर ही है। हाँ, क्रिस्पी क्रीम यहाँ पे है। मुझे जब शॉपिंग करनी थी ना तब सारिशा को रोना आ रहा था, और अभी ये देखो नाचती जा रही है। अभी बिल्कुल काम डाउन है। आपको कैसा फील हो रहा है अभी? पहली बार गई मैं उसके अंदर, जैसे पेट में मिली सारिशा की सॉस लगा दी है, निकाल दी है, घर में सारी कटोरी खा ली। शिट, मैंने मेरी अभी हम फ्लाइट मतलब लिफ्ट के अंदर है हो चुके हैं क्योंकि हाउस। और अभी इधर हमने खाना भी खाया था, देख सकते हैं। पापा के लिए कुछ लेके चले मिठाई। अगर पापा ये वीडियो देख ले ना, पापा के लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ, पापा के लिए स्पेशली आगे पापा की शांति हो रखी। मैंने अपनी खाना खिला रहा हूँ, फिर 2 महीने की बात देखेंगे। सारिशा भाग रही है और इसकी गाड़ी सीधा रुकेगी जाके हल्दीराम पे, देखना। तो सारिशा की गाड़ी रुकी है हल्दीराम पे जाके, देखते हैं क्या लेती है सारिशा पापा के लिए। क्या लेना है पापा के लिए बताओ? आप पापा के लिए कुछ लेकर आना, पापा आगे ये वीडियो देख रहे हैं ना, पापा को खांसी बैठी है। तो हम आ गए अपने गेट नंबर 7 पे और हम वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट की। और जो बोर्डिंग है हमारी फ्लाइट की वो स्टार्ट है 3:10 से, फ्लाइट टाइमिंग है 4:10। क्यों बदल दिया बताओ? क्योंकि मैं खाना खाते वक्त मुझे गिर गया था और लग गया था, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बट लेगिंग्स मैंने वही रखी है, शूज मैंने वही रखी है और इसी भी वही रखा है। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम जो है बोर्ड करेंगे फ्लाइट, और मिलते हैं बोर्डिंग के बाद। और बाहर हो रही है बारिश। जब हम घर से निकले तब तो ऐसा नहीं था कुछ भी मौसम, लेकिन आई थिंक यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। सारिशा सारिशा है नींद में, सारिशा बहुत नींद में है ना। और टाइम हो रहा है 3:20। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 2 में मैं आपको मिलूँगी इंडिगो की फ़्लाइट में, और बताऊँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और डायरेक्ट मिलेंगे हम कतर एयरपोर्ट पर जाके। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।